मास मीडिया की डेफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ते हैं, तो पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ मास मीडिया क्या होता है। मास मीडिया एक ऐसा मीडियम है, कम्युनिकेशन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप एक टाइम में बहुत सारे लोगों को इससे जोड़ सकते हैं। देन अपन आते हैं अब डेफिनेशन पर। डेफिनेशन आएगी, मास मीडिया इज़ दोज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मास मीडिया कम्युनिकेशन का ऐसा माध्यम है दैट रीच द इन्फ्लुएंस लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसके द्वारा हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचते हैं। स्पेशली कैसे, न्यूज़पेपर, पॉपुलर मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविजन के द्वारा। लाइक मास मीडिया में आता है अपन इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सारे आते हैं मास मीडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया को बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, लेकिन हम मेनली यहाँ पढ़ रहे हैं तीन टाइप्स के, इलेक्ट्रॉनिक, परफॉर्मिंग मीडिया एंड विजुअल मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जुड़े होते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, फिल्म, रेडियो, मूवीज़, इंटरनेट, CD या DVDs, ये सब आते हैं मास मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कैमरा एंड वीडियोज़। नेक्स्ट परफॉर्मिंग मीडिया, यानी कि किसी चीज़ को परफॉर्म करके लोगों तक पहुंचाना, लाइक म्यूज़िक, सॉन्ग्स, ड्रामास, प्यूपिड शो, पोइट्री, स्पीच, गॉसिप एंड जोक्स के थ्रू हम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट आता है विजुअल मीडिया। विजुअल मीडिया में हम लोगों तक इंफॉर्मेशन है वो अपने क्या बोलते हैं, पोस्टर्स के थ्रू, हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू, या प्रिंटेड लिटरेचर के थ्रू, बुक्स या पैम्फलेट्स के थ्रू, लीफलेट्स के थ्रू, मैगजीन्स जनरल या न्यूज़पेपर्स के थ्रू अपन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं हम लोग, तो इसे विजुअल मीडिया के अंदर हम काउंट करते हैं। तो यहाँ ख़त्म होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया। नेक्स्ट आता है मैथड ऑफ मास मीडिया। उससे पहले हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ मास मीडिया। इम्पॉर्टेंट एजेंसीज में आएगा सबसे पहला है प्रेस, देन आएगा एडवर्टाइजिंग, देन आएगा रिसर्च, देन आएगा सिंडिकेट ऑफर बैकग्राउंड। प्रेस क्या होता है? प्रेस का काम होता है कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, रेडियो स्टेशन, न्यूज़ मैगजीन्स के अंदर इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये होता है प्रेस का काम। तो ये एजेंसीज़ भी कम्युनिकेशन को बढ़ाती है। नेक्स्ट आएगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग में आप किसी भी चीज़ का एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, वो आपका पर्सनल मास मीडिया, पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया लोगों तक अपनी न्यूज़ को पहुँचाने का, न्यूज़ को पहुँचाने का। तो अपन उसके अंदर ये भी पढ़ते हैं कि बिज़नेस से रिलेटेड अपन को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर अपन किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन अपन जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो अपन एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट आएगा रिसर्च इंडिविजुअल। रिसर्च इंडिविजुअल के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक ग्रुप होता है लोगों का, वो हेल्प करता है और गाइड करता है मास कम्युनिकेटर्स को। किस लिए गाइड करता है? मोर इफ़ेक्टिव पाथ के लिए गाइड करता है। इसीलिए रिसर्च जो काम, रिसर्च इंडिविजुअल है, वो काम में आता है। नेक्स्ट आता है सिंडिकेट ऑफर बैकग्राउंड। सिंडिकेट ऑफर बैकग्राउंड्स होता है, इसमें क्या आएगा कि न्यूज़ एंड पिक्चर्स जो भी होगी, या एंटरटेनमेंट्स के से रिलेटेड कोई भी फीचर्स होंगे, या न्यूज़पेपर्स या टीवी, रेडियोज़ एंड मैगजीन्स होगी, ये सब इसके अंदर आएंगी सिंडिकेट ऑफ अ बैकग्राउंड के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला आएगा टीवी, सेकंड आएगा रेडियो, थर्ड न्यूज़पेपर, फोर इंटरनेट, फाइव आएगा पोस्टर, बिलबोर्ड एंड साइंस, सिक्स आएगा हेल्थ, म्यूजियम एंड एग्जिबिशन, सेवन्थ आएगा फॉक मीडिया, एंड एट्थ आएगा प्रिंटेड मीडिया। सबसे पहला हम पढ़ते हैं टेलीविज़न। टेलीविज़न के बारे में हम पढ़ेंगे कि टेलीविज़न जो है एक सबसे पॉपुलर मास मीडिया है,
सबसे पॉपुलर मीडिया है, जो कि एक क्रिएटिव अवेयरनेस ही नहीं फैला रहा, बल्कि ये पब्लिक ओपिनियन को भी सामने ला रहा है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है लोगों को, और नए वेज ऑफ लाइफ के नए नए तरीके बता रहा है। तो टेलीविज़न का वर्क ये है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, ये एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स होता है, नॉलेज को अप टू डेट रखता है जनरल पब्लिक अबाउट वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स, जितने भी चल रहे हैं या नए आइडियाज़ हैं उनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को दिखा रहा है, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो बताता है। और ये क्या करता है कि अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस फैला रहा है, पॉजिटिवली जो एजुकेशन है वो दे रहा है। तो ये होता है टेलीविज़न का वर्क। नेक्स्ट आता है रेडियो। रेडियो में क्या आएगा कि सबसे पहले ये जो रेडियो होता है वो लोगों के घरों में जनरली मिलता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो विकसित हो रही है जो कंट्रीज़ है उनके अंदर रेडियो आराम से हमें मिलता है, रेडियो आराम से हमें मिलता है घरों में। देन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ये जनरली जो होता है वो गांवों के अंदर ज़्यादा मिलता है, लोग गांवों के अंदर इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं रेडियोज़ को, वो उसको ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। और जो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या करता है कि कंगारू मदर केयर जो पैटर्न है प्री टर्म एंड लो बर्थ वेट बेबीज़ के लिए, वो रेडियोज़ के थ्रू लोगों तक पहुंचाता है। और एडवांटेज क्या, रेडियो के मोस्ट कॉमन जो एडवांटेज है वो है, ये चीपर और पोर्टेबल होता है, गुड फॉर मास एजुकेशन होता है। नेक्स्ट आएगा रेडियो प्रोग्रामर विद ड्रामेटिक इफ़ेक्ट। इसके अंदर बहुत सारे ड्रामा, फन, मस्ती, पॉजिटिव इमोशंस, रेइनफोर्समेंट, ये सारी चीज़ें होती है, नॉलेज को अप टू डेट रखता है, एंटरटेनमेंट का गुड सोर्स है, जैसे न्यूज़, स्पोर्ट्स, ट्रैफिक, इवेंट, ये सारे रेडियोज़ के अंदर चलते रहते हैं। और रेडियो को अपन अपनी आइज़ क्लोज करके भी आराम से ऑडिबली सुन सकते हैं, इसको देखने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आएगा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो होता है वो आज का जो मास मीडिया है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे टीवी और जो रेडियो होते हैं वो फास्टली न्यूज़ को, टीवी और रेडियोज़ की तुलना में न्यूज़ को फास्टली पहुँचाता है मैसेज जो है वो। और इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स भी रखता है, और इसके अंदर डिटेल्स के साथ साथ बहुत सारे आइटम्स होते हैं, और इसको अपन आसानी से कैरी कर सकते हैं, आसानी से ख़रीद सकते हैं, इतना महंगा नहीं होता है ये। और इसके जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल और इंटरनेशनल एरियाज़ के अंदर, जो कि क्या करता है, न्यूज़ और व्यूज़ देता है अपने। और अगर कोई इंसान है वो, उसकी नीड अगर खाना है तो उसके साथ साथ उसको मेंटली या माइंड को माइंडली प्रिपेयर रहने के लिए न्यूज़पेपर की या न्यूज़ की ज़रूरत होती है वर्ल्ड के अंदर प्रिपेयर रहने के लिए। और ये नॉलेज और आइडियाज़ को रिफ़्रेश करता है, बर्डन ओवर आउटलुक एंड चेंजेस व्यू, अपने व्यू, हमारे व्यूज़ को चेंज करता है, एजुकेट करता है कॉमन पीपल को, और पीपल को इन्फ्लुएंस करता है, पब्लिक ओपिनियन को बाहर लाता है, जस्टिस एंड लॉज को एडमिनिस्टर करता है, रिमूव करता है बैरियर्स को, स्प्रेडिंग मैन फ्रॉम मैन, आदमी से लेकर के आदमी तक जो बैरियर्स फैल रहे हैं उनको ये रिमूव करता है, और इन्फोर्स करता है द राइट एंड रेड्रेस द रॉन्ग। नेक्स्ट जो आता है वो है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, आज के टाइम की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे बेटर मास मीडिया है। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस रहती है, और ये इसे हम क्या बोल सकते हैं, गिगेंटिक लाइब्रेरी, या फिर हम बोल सकते हैं विशालकाय लाइब्रेरी है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सेव रहती है, जैसे वर्ल्ड वाइड मैसेज, टेलीफोन नेटवर्क। इससे पब्लिश करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, वर्ल्ड वाइड मैसेज बोर्ड, टेलीफोन नेटवर्क्स एक्सेट्रा, मीडियम जो चाहिए।
ये हर 24 घंटे के अंदर आप कुछ भी इसके अंदर खोज लो, आपको नई नई चीज़ों का नॉलेज बढ़ता है और नॉलेज को अप टू डेट रखता है ये। नेक्स्ट जो आएगा वो है इसके जो एडवांटेज है वो क्या है कि बिगेस्ट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आएगा एंटरटेनमेंट भी होता है इसका, एंटरटेनमेंट्स के अंदर गेम्स, चैट्स एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें भी आती है, म्यूजिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, हॉबीज़ हो गया, आप इंटरनेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है आपको। और नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स, जो कमर्शियल मैन्यूरिंग और बिजनेस डील्स होती है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और इसके जो डिसएडवांटेज है वो है थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है। अगर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे नेम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स में अगर अवेलेबल है दूसरे लोगों के पास या आपके इंटरनेट पर, तो उसको आप सेव रखें, वरना ये जो चीज़ें हैं वो इंटरनेट के थ्रू चोरी भी हो सकती है। नेक्स्ट आएगा कि स्पैमिंग, ये क्या होता है, सेंडिंग अनवांटेड ईमेल्स जो होते हैं इन बल्क, जो क्या करता है कि प्रोवाइड करता है नो पर्पज एंड नीडिजली ऑब्स्ट्रक्ट द एंटायर सिस्टम, जिसका कोई भी पर्पज नहीं होता है। नेक्स्ट अपन जो पढ़ते हैं वो आएगा पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स एंड साइन। पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स एंड साइन क्या होते हैं, मीडिया जो कि कैच करते हैं आई के थ्रू और क्रिएट करते हैं अवेयरनेस को। मैसेज कम्युनिकेट मस्ट बी सिंपल एंड आर्टिस्टिक, इसके थ्रू क्या करता है मैसेज सिंपल और आर्टिस्टिक तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर कुछ प्लेसेस के अंदर एक्सपोजर टाइम है वो आपके पास शॉर्ट है, जैसे स्ट्रीट्स हो गई, मतलब झुग्गी झोपड़ियाँ, तो मैसेज ऑन द पोस्टर शुड बी पब्लिक अटेन इन प्लेस, पब्लिक पोस्टर शुड बी शॉर्ट डायरेक्ट, द मैसेज ऑन द पोस्टर शुड बी शॉर्ट डायरेक्ट एंड सिंपल सो इट कुड बी ईजिली अंडरस्टूड। आप पोस्टर्स के थ्रू मैसेज को भेज सकते हैं जैसे कि ईजिली अंडरस्टूड हो सके, जैसे बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन या हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर पर आपने पोस्टर्स लगा दी, आपने इंफॉर्मेशंस दे दी, तो ये विद साइन, तो ये क्या होता है एक ऐसा मास मीडिया है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हेल्थ म्यूज़ियम एंड एग्जीबिशन। हेल्थ म्यूज़ियम एंड एग्जीबिशन के अंदर क्या आएगा कि एग्जीबिशंस में कोई भी पोस्टर्स वगैरह अपन लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ को समझाने के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप पोस्टर्स बनाते हैं वो या फिर म्यूज़ियम के अंदर कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन या चीज़ों को जानने के लिए, पुरानी चीज़ों को जानने के लिए भी हम जो म्यूज़ियम वगैरह होते हैं वो बने होते हैं, तो उसके थ्रू भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। और नेक्स्ट आएगा फोक मीडिया। फोक मीडिया मतलब ये होता है कि हमारे जो पुराने जो ट्रेडिशन है वो इसके अंदर प्रिजर्व रहते हैं, लाइक आप बोल सकते हो कि जो क्या बोलते हैं गज़ल कवाली मोमडन्स के अंदर जो होते हैं, और या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कीर्तन, कथा, सॉन्ग, डांस, ड्रामास, ये सारे भी इसके अंदर प्रिजर्व रह सकते हैं, तो ये एक टाइप का इम्पॉर्टेंट मास मीडिया है। नेक्स्ट आएगा प्रिंटेड मटेरियल्स। प्रिंटेड मटेरियल्स के अंदर हम बोलेंगे मैगजीन्स, पैम्पलेट्स, बुकलेट्स, हैंडआउट्स, जो सारे भी हैं वो जो हेल्थ कम्युनिकेशन वगैरह है उस सब में भी आप इसको प्रिंट आउट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मास मीडिया है। इनका मेन एम होता है कि इनको रीड करना है, इनको रीड करके ही आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, इसके अंदर डिटेल्स भी होती है बहुत सारी। देन यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है मेथड्स ऑफ मास मीडिया। मेथड्स ऑफ मास मीडिया के बाद में हम एक डायग्राम्स दिखाना चाहती हूँ मैं आपको। सबसे पहले मीडिया, मीडिया के अंदर आएगा इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। नेक्स्ट आएगा फंक्शंस ऑफ मास मीडिया में क्या होगा कि इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना,
ये सारी चीज़ें आएंगी फंक्शंस ऑफ मास मीडिया के अंदर। नेक्स्ट है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं डालने वाली हूँ मास मीडिया के अंदर, वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको एक बार देख ले अच्छे से, और इफ़ अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस है वो आपको नोट्स की पीडीएफ के साथ दे दिए जाएंगे।